मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव काफी नजदीक हैं। तकरीबन 5 महीनों बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ बीजेपी रणनीतियां बना रही है तो वहीं कांग्रेस खेमा भी पीछे नहीं है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस ने अहम रणनीतियां बनाई है। कांग्रेस का पूरा फोकस है मध्य प्रदेश की सियासत पर, लेकिन इन चुनाव से पहले कांग्रेस खेमे को एक बेहद बड़ा झटका भी मिल चुका है। दरअसल आपको बता दें कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि जहां एक तरफ राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जबलपुर पहुंची और उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी पीछे नहीं है। कमलनाथ डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं, कई अहम ऐलान कर रहे हैं, कई अहम वादे कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ कमलनाथ को बेहद बड़ा झटका भी मिल चुका है। दरअसल आपको बता दें कि कमलनाथ के गढ़ में अब कमल खिल चुका है। जी हां, उपचुनाव पर अगर रुख किया जाए तो बीजेपी यहां पर जीत हासिल करती हुई देखी गई है। दरअसल आपको बता दें कि अब भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कांग्रेस खेमे को बड़ी चुनौती देती हुई दिखाई दे रही है। छिंदवाड़ा में नगरीय निकाय के उपचुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी को हरा दिया है। नगर निकाय के उपचुनाव में कांग्रेस हार चुकी है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि ये 2023 के चुनाव का आगाज है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे देखिए होता क्या है। बीडी शर्मा कहते हैं कि बीजेपी ने छिंदवाड़ा नगर निगम में आज पार्षद उपचुनाव में इतिहास बनाया। छिंदवाड़ा गरीब कल्याण के हितग्राहियों का गढ़ है। कमलनाथ ने अपील जारी करने के बावजूद भी यहां पर देखा जाए तो हार का सामना किया है। बीजेपी के प्रत्याशी ने 436 वोटों से जीत हासिल की, इतिहास बनाया और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे देखते जाइए। इस जीत के साथ छिंदवाड़ा की जनता ने सौगात दी है। छोटा चुनाव था लेकिन बड़ी जीत, छल कपट और झूठ बोलने वालों को आईना दिखा दिया है। नगरीय निकाय के वार्ड 42 के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी संदीप सिंह चौहान ने कांग्रेस प्रत्याशी राजू गोस्वामी को हरा दिया 436 वोटों से। ऐसे में देखा जाए तो कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बीजेपी ने जीत हासिल की है, जो वाकई में कांग्रेस खेमे के लिए किसी झटके से कम नहीं माना जा सकता है। तो ऐसे में यहां पर बीजेपी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस खेमे को झटका देती हुई दिखाई दे रही है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।